स्वागत है बच्चों, आपका एक नए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। तो आजकल ये देखा जा रहा है, बहुत सारे सर्वेज के माध्यम से और बहुत सारा डाटा जो गवर्नमेंट एजेंसीज कलेक्ट करती हैं उसके माध्यम से देखा जा रहा है कि ड्रग्स का और अल्कोहल का जो इस्तेमाल है वो यूथ में, यानी जो युवा वर्ग है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और गलत तरीके से इसका ड्रग्स का उपयोग युवा वर्ग में हो रहा है। और ये एक चिंता का विषय है, बिकॉज़ इसके कई दुष्प्रभाव हमारी जो यूथ है, हमारी जो युवा वर्ग है उस पर पड़ते हैं। अगर हम उनको प्रॉपरली एजुकेट करें और उनको सही रास्ता दिखाएं, गाइड करें, तो हम उनको बचा सकते हैं इन ड्रग्स और अल्कोहल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके बिहेवियर में जो दिक्कतें आ जाती हैं उन पर्सन्स के जो उसको यूज़ करते हैं, और उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो वो ड्रग्स जिनको एब्यूज़ किया जा रहा है कॉमन वे में, वो हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स, और ज़्यादातर जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं। कुछ ऐसी हैं जो फंगस से पाई जाती हैं। तो सबसे पहले पढ़ोगे आप ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड्स वो ड्रग्स हैं जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स पर जाकर के बाइंड होती हैं, और ये ओपियोइड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो जब ये रिसेप्टर्स ओपियोइड ड्रग्स को रिसीव करते हैं तो उसके बाद हमारा जो बिहेवियर है वह बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हेरोइन काफ़ी फेमस ड्रग है, जिसको हम कॉमन वे में स्मैक कहते हैं, और केमिकली अगर देखें इसको तो इसका नाम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो ये जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, जिसे हम हेरोइन भी कहते हैं, ये वाइट कलर की होती है, इसमें गंध नहीं होती, और ये कड़वा क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ठीक है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं और कड़वा होता है ये। तो इसको डाईएसिटाइल मॉर्फिन को बनाया कैसे जाता है? इसको मॉर्फिन को एसिटाइलेशन करके बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। और मॉर्फिन कहाँ से आती है? मॉर्फिन आती है ओपियम पॉपी प्लांट, जैसे ये जो ओपियम पॉपी प्लांट है इसके लेटेक्स से, यानी इसके अंदर से दूध के रंग का, दूधिया कलर का कुछ लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स से ही मॉर्फिन बनती है, और उस मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हम हेरोइन भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, और एग्जामिनेशंस में ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर्स बने हुए आए हैं, पहले पूछे गए हैं, और आपसे केवल ये पूछा जाता है कि विच काइंड ऑफ ड्रग इज़ दिस, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी ड्रग है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो मॉर्फिन है इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द पॉपी प्लांट विच इज़ पेपावर सोमनीफेरम। ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपसे पूछा जाता है कि इस पेपावर सोमनीफेरम प्लांट से कौन सी ड्रग ऑब्टेन की जाती है। तो इसको लेने का तरीका क्या है? हेरोइन को लेने के लिए स्नॉट किया जाता है, यानी सूंघा जाता है, नाक के रास्ते इसको अपनी बॉडी में पहुंचाया जाता है। इसके अलावा इसको इंजेक्शंस के माध्यम से मॉर्फिन को या हेरोइन को लिया जाता है। तो ये एक डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब ये हमें स्लो कर देती है, हमारे बॉडी फंक्शंस को धीमा कर देती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को घटा देती है, और हमें नींद जैसा अनुभव होता है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो, उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं डिप्रेसेंट्स। नेक्स्ट इज द कैनाबिनॉइड्स। तो जो कैनाबिनॉइड्स हैं ये वो केमिकल्स हैं जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड होते हैं, और कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रिंसिपली कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। तो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स कहाँ से मिलेंगे? दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट्स सच एज कैनाबिस सटाइवा।
कैनाबिस सटाइवा का जो प्लांट होता है, जिसको हम भांग का पौधा कहते हैं आम भाषा में, ये हमको अपने गांव के आसपास साइड जो रोड के किनारे आम तौर पर देखने को मिल जाता है। तो ये जो भांग का पौधा होता है, जिसको कैनाबिस सटाइवा कहते हैं, इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से अलग अलग प्रकार के ड्रग्स बनाए जाते हैं, जैसे फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट्स आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। तो ये जो आपने भांग नाम सुना है, ये मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, इन सबको बनाने के लिए हम कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है उसके इनफ्लोरेसेंस का, और उसके अलावा उसके डिफरेंट पार्ट्स का, जैसे लीव्स हैं उनका प्रयोग हम करते हैं, या इसके अलावा हम प्लांट से निकलने वाली जो रेजिन होती है उसका प्रयोग भी करते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो ड्रग्स हैं उनको हम बना सकते हैं। और आपको एक बात यहाँ ध्यान ये भी रखनी है कि ये जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट होता है, ये डाइशियस होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं, अलग अलग मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स। तो बहुत पुराने समय से कैनाबिस सटाइवा का उपयोग इंडियन कल्चर में भी इसका काफ़ी रोल है, और काफ़ी पुराने समय से इसका उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं। इसको लेने का जो तरीका होता है, एक तो इनहेलेशन है नाक के रास्ते, इसके अलावा ओरल इंजेशन भी है, इसे ओरली माउथ के रास्ते भी खाया जाता है। भांग आपने काफ़ी सुना भी होगा, और इसका इफेक्ट हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। अब कैसा असर पड़ता है? देखिए, हमारे जो प्यूपिल होते हैं आँखों के, वो डायलेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, हमारा जो माउथ है ड्राई हो जाता है, ड्राई माउथ, ठीक है ना। उसके अलावा हमें पेन का सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है, और यूफोरिया कह सकते हैं थोड़ा सा आ सकता है, इमोशंस हमारे जो हैं वो थोड़ा सा बदल सकते हैं, बॉडी का बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आ सकती हैं। तो कैनाबिनॉइड जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो उसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले कि विच काइंड ऑफ कंपाउंड इज दिस, तो आपको पूछा जा सकता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट इज द कोका एल्कलॉइड, इसको हम कोकेन भी कहते हैं, वह प्राप्त की जाती है रिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। तो ये कहाँ का नेटिव प्लांट है? साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, साउथ अमेरिका में ये होता था, उसके बाद और भागों में भी किया जाने लगा। तो ये जो कोकेन होती है, इट इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन। तो हमारे हमको पता ही है कि डोपामिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, और नर्वस इम्पल्सिस को कंडक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो कोकेन होती है इसके जो ट्रांसपोर्ट है उसमें एक रोल प्ले करती है, उसके साथ इंटरफेयर करती है, जिसके कारण हमारा बिहेवियर चेंज होता है। कोकेन को हम कोक या क्रैक भी कहते हैं, और इसको नाक के रास्ते सूंघ करके लिया जाता है, स्नॉट किया जाता है। ये भी एक पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन देती है सीएनएस पर, और इसकी वजह से एक यूफोरिया या इंक्रीज्ड एनर्जी का सेंसेशन हमको होता है। तो अगर आप ज़्यादा कोकेन ले लोगे तो आपको हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, यानी आपको ऐसा फील होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप या ऐसी सिचुएशन आप अपने आसपास बनाने लग जाओगे जो आपको भ्रम का, जिसे कहते हैं ना भ्रम की स्थिति, वो आ जाएगी, हेलुसिनेशंस, तो ये आपको होंगे। इसके अलावा दूसरे प्लांट्स भी हैं जो हेलुसिनेशंस के साथ हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना, दतूरा। तो दतूरा का यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, ये काफ़ी कॉमन प्लांट है, ये हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो दतूरा जो है इससे भी हेलुसिनेशंस होते हैं, इसको अगर हमने इसको इनटेक कर लिया, या दतूरा से बनी हुई ड्रग्स जो हैं वो हमने ले ली, तो हमें ज़रूर
इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो आजकल जो कैनाबिनॉइड्स हैं इनका इस्तेमाल स्पोर्ट्स पर्सन भी करते हैं गलत तरीके से। कुछ और ड्रग्स हैं जैसे बारबिट्यूरेट्स हैं, एम्फेटामीन्स हैं, बेंजोडाइजपीन्स हैं, ये भी आमतौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और किसी पेशेंट की मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए, जैसे कि डिप्रेशन है किसी को या किसी को नींद ना आने की बीमारी है, इसको इंसोमनिया कहते हैं, तो इन सबको ठीक करने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं। लेकिन होता क्या है, इन दवाओं का एब्यूज़ हो रहा है, मतलब जो पेशेंट्स हैं या जो नॉर्मल पर्सन्स हैं वो इन दवाओं का गलत उपयोग कर रहे हैं, और उसके उसका जो प्रभाव है उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। पर आप नोट कर सकते हैं जैसे बारबिट्यूरेट्स हैं और बेंजोडाइजपीन हैं, ये दोनों ड्रग्स जो होती हैं ये डिप्रेसेंट्स हैं, ये डिप्रेस करती हैं आपको, यानी आपकी ब्रेन एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं, आपको काम कर देती हैं, कामनेस ले आती हैं आपकी बॉडी में, या आपको रिलैक्स कर देती हैं, ड्राउजीनेस आ सकती है, ड्राउजीनेस यानी नींद जैसा आपको फील हो सकता है, या गहरी नींद में आप जा सकते हैं, तो सिडेटिव भी कह सकते हैं इनको हम। सिडेटिव पर्सन को, जो बहुत ज़्यादा अलर्ट है पर्सन, उस पर्सन को सिडेट कर देना, यानी उसकी जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करने का काम बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजपीन्स करती हैं, ठीक है। वहीं जो एम्फेटामीन्स हैं इनका दूसरा फंक्शन है, ये स्टिमुलेंट है, तो ये स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम को। कैफीन भी आपने सुना होगा जो काफ़ी फेमस है, तो कैफीन भी स्टिमुलेट करती है हमको, अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस है, एम्फेटामीन अलग कैटेगरी की है और बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइपिन्स की कैटेगरी अलग है। तो डॉक्टर्स इनका इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अभी क्या है, आमतौर पर लोग भी इनका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसको हम ड्रग एब्यूज़ बोलते हैं। मॉर्फिन को एक काफ़ी इफेक्टिव सिडेटिव माना गया है, और एक पेन किलर के तौर पे ये एक्ट करती है, और उन पेशेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था जिनको जिनकी सर्जरी हो रही है पुराने समय में। वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसका काफ़ी उपयोग किया गया है मॉर्फिन का, जहाँ पर युद्ध होता था वहाँ पर डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर वहाँ पर डॉक्टर्स या इवन सोल्जर्स अपने पास मॉर्फिन के इंजेक्शंस रखते थे, ताकि किसी आकस्मिक आपातकाल में उसका इस्तेमाल किया जा सके। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, वी ऑल नो, एंड दे हैव बीन यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन द फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब। दुनिया भर में जो ये कह सकते हैं जैसे लोक कला है ना, या रिलीजियस सेरेमनीज हैं वहाँ पर, और हमारी संस्कृति का हिस्सा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी हैं, वो रही हैं पुराने समय से। लेकिन जब इनका इस्तेमाल गलत तरीके से और बहुत ज़्यादा होने लगता है, तब इसको ड्रग एब्यूज़ बोलते हैं। व्हेन दीज आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज़, और इन अमाउंट्स और फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस, इट इज़ नोन एज ड्रग एब्यूज़। तो अगर इनका इस्तेमाल ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाओ, मेडिसिनल इस्तेमाल ना करो इनका, और इनके इस्तेमाल से आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी, आपकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो बिगड़ जाएँ, फिज़िकल एबिलिटी एबिलिटी आपकी घट जाए, और आपकी साइकोलॉजी भी चेंज हो जाए, तो इसलिए इनको हम फिर क्या बोलेंगे, ड्रग एब्यूज़ की कैटेगरी में रखेंगे। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग हमारे लिए डेंजरस है, बिकॉज स्मोकिंग से बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो जाने अनजाने हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाती हैं। टोबैको को, तो यानी तंबाकू को, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो 400 साल या उससे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे स्मोक भी किया जाता है, इसे चबाया भी जाता है, और इसे सूंघा भी जाता है।
इसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि निकोटीन तो एक उसमें से कॉमन है, विच इज़ एन एल्कलॉइड। एल्कलॉइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन तो मिलेगा ही, और बाकी इसमें अंदर दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन एक नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एल्कलॉइड, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो निकोटीन वो है जो कि स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है ना। तो निकोटीन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, जिससे कि फिर क्या होगा, एड्रिनलिन का सिक्रीशन होता है और नॉर एड्रिनलिन का सिक्रीशन होता है हमारे ब्लड में, और इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। और आप लोग जानते ही हो कि स्मोकिंग को बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के कैंसर्स, जैसे कि लंग कैंसर, यूनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस में बहुत ज़्यादा हमको खांसी आती है बार बार, एम्फाइसीमा में हमें दम घुटने का एहसास होता है बिकॉज हमारे जो एल्वियोलाई हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिसीज़ भी हो सकती है, यानी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें समस्या, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब चीज़ें जोड़ के आप देख सकते हैं किसके साथ, स्मोकिंग के साथ। टोबैको को च्यू करने से भी कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ासतौर पर ओरल कैविटी का जो कैंसर होता है। स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड भी ज़्यादा जनरेट होती है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से हीम बाउंड ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाउंड होती है उसकी कंसनट्रेशन घट जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है। कुछ और केमिकल्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो स्मोक के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि विनाइल क्लोराइड, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इसके अलावा एमोनिया, और आप ध्यान रखना विनाइल क्लोराइड जो होता है इट इज़ अ कार्सिनोजिन, ठीक है। और कौन कौन से कार्सिनोजिन्स आते हैं मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कार्सिनोजिन्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, है ना। तो मैंने आपके साथ पहला नाम तो लिख दिया था, विनाइल क्लोराइड। इसके अलावा आप लिख सकते हैं फिनॉल, क्रिसॉल, इसके अलावा आप लिख सकते हैं आर्सेनिक, निकिल, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के बेंजोपायरीन, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, तो ये सब हो सकते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं हमें, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टार, विच इज़ अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड विच इज़ प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक, जो कि कार्सिनोजिन की तरह एक्ट करता है, और इसके अलावा हमारे लिए इरिटेंट का काम भी करता है, इरिटेशन भी होता है इससे। टार बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाने पर लंग्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, निकोटीन के अलावा ये सब चीज़ें होती हैं। तो निकोटीन के कारण हैबिट फॉर्म होती है, निकोटीन तो जो अभी आप जानते ही हो फेमस है, टोबैको में होता ही है, ये हैबिट फॉर्मिंग कंपाउंड है, इसकी आदत लग जाती है और लत लग जाती है इसकी, जो कि ठीक नहीं है, है ना। तो इसमें आगे पढ़ते हैं लास्ट वाला पार्ट। तो जब कोई सिगरेट खरीदता है तो वो ज़रूर देखता है कि उस पर स्टेचुटरी वार्निंग होती है, यानी संवैधानिक चेतावनी होती है, वैधानिक चेतावनी होती है, और वो क्या कहती है कि स्मोकिंग करना जान के लिए खतरनाक है और उसमें कैंसर का, आपने देखा होगा एक फ़ोटो भी लगा होता है, कैंसरस ग्रोथ उसमें दिखाई जा रही होती है, और लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बाद भी जो यूथ है
और जो हमारे कई ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जो स्मोकिंग करते हैं, इसके डेंजर्स को जानने के बाद भी लोग तम्बाकू को चबाना नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज़ ये एडिक्टिव है नेचर में, इसकी लत लगती है हमको। तो इसीलिए जो यंग वंस हैं, जो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, उसे ध्यान देना है कि ऐसी चीज़ों से दूर रहो जिसकी आपको हैबिट हो जाती है और हैबिट लग जाती है, और उसके बाद फिर ये आपको आपकी जान के लिए खतरा बन जाता है। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। किसी भी एडिक्ट को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, सलाह की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा उसको चिकित्सक के परामर्श की आवश्यकता भी होती है ताकि वो हैबिट को छोड़ सके। तो इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स सरकार ने भी बनाए हुए हैं और कुछ एनजीओज जो हैं उन्होंने भी ऐसे काम किए हुए हैं जिससे कि हमको मदद मिल सकती है।